गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आज की डेट है 6th of August एंड डे इज सैटरडे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज। वेलकम टू वीकेंड। तो महंगाई का विरोध करते हुए राहुल जी ने कहा है कि मैं डरता नहीं, मुद्दे उठाऊंगा। वाह। तो अमित शाह जी ने कहा है काले कपड़े मंदिर का विरोध। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग को लेके बड़ा ही क्वेश्चन हुआ है। जो कल विरोध हुआ है उसके टाइमिंग को लेके क्वेश्चन किया है जैसे कि क्योंकि 5 अगस्त में बताते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए किया था और उसी दिन कल इन्होंने विरोध किया। तो अमित शाह जी ने बोला है कि आप काले कपड़े पहन के आए हैं तो आप महंगाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो छोटा देश बड़ी ताकत, अमेरिका से 855 करोड़ का रक्षा सौदा किया है ताइवान ने। राइट। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार के जखीरे खरीदे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है यार कि एक नया वॉर चाइना ताइवान में होगा और अमेरिका उसको बैक कर रहा है? आई डोंट नो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो देखिए कि अमेरिका ही सबको क्यों ढकेल रहा है वॉर में और अमेरिका ही क्यों सबसे रक्षा सौदे कर रहा है। वो क्योंकि अपने अमेरिका ही इक्विपमेंट सबसे क्यों बड़ा दे रहा हथियार है बनाता है। तो वो प्रॉफिट किसको देगा वहाँ के बिजनेसमैन? और बाइडेन को बैक कौन करता है ये सबको पता है, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, वहाँ के जो गन मेकर है। तो इफ दे वांट मनी दे नीड वॉर। राइट। अमेरिका इज बिल्ड ऑन द डेड बॉडीज, ऑन द वॉर। सही बात है। तो दोस्तों, 44 साल बाद लॉन्ग जंप में मेडल मिला है, मुरली श्रीशंकर जी ने लिया है। मतलब इतिहास रच रहा है भारत इस बार। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जो डंका पीटा है इस बार दोस्तों, गजब। और अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स थे। और बिल्कुल जो मुरली श्रीशंकर हैं इनके साथ, मतलब मैं कल देख रहा था वीडियो, 1 सेंटीमीटर से ये सिर्फ छूटे हैं गोल्ड मेडल से। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वहाँ के रेफरी थे, जो वहाँ के एम्पायर थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है। वहाँ के जजमेंट भी थोड़ी सी इनकी शतक लापरवाही हो सकती है। बिल्कुल। और एक नया गोल्ड भी आया है पैरा पावर लिफ्टिंग में। राइट। सुधीर ने गेम्स रिकॉर्ड बना करके गोल्ड जीता है और इनको पोलियो हो रखा है, ये पोलियो के शिकार हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग है। यस राइट बिल्कुल। राइट। हाँ तो उसके बाद भी मतलब इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट आई मस्ट से। दोस्तों, कल कल इंदौर में बहुत बड़ी रैली निकाली गई एस्पिरेंट्स के द्वारा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उसका नाम दिया बेरोजगार तिरंगा यात्रा। ये अभी तक की कही जाती है सबसे बड़ी ऐसी रैली है जहां पर यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है कि भैया एमपी जो एमपीपीएससी है वो इतना इरेगुलर है। आखिरी रेगुलरिटी 2018 में हुई थी, बट मेरे को लगता है इस साल हो जाएगी बिकॉज अगले साल चुनाव है। तो 2022 में इस बार फिर सबके पास मौका है। जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के ये हमेशा ये अब आप सोचिए, पहले ये घोषणाएं करते थे, अब ये एमपीपीएससी को भी एज अ टूल यूज कर रहे हैं फॉर पॉलिटिक्स, दे आर यूजिंग इट व्हिच इज टोटली रॉन्ग। इट शुड बी ऑलवेज यू नो केप्ट सेपरेटली पॉलिटिक्स से। मध्य प्रदेश में चुनाव बीते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अभी तक मानदेय नहीं मिला है। जिन लोग को मिलता है बिकॉज ये एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं फॉर इलेक्शन, ये अभी तक इनको नहीं मिलेगा मिला है। और इससे वर्कर्स नाराज हैं, कर्मचारियों में गुस्सा है, आक्रोश है। चाय समोसा खिला के जो बुद्धू बनाए हो, पैसा पहुंचाओ इनके घर। चाय समोसा में नहीं मानने वाले ये लोग, छोटे बच्चे थोड़ी समझ रखे हो इनको। तो इंडिया में जो पहली स्वदेशी वैक्सीन की लंपी वो तैयार हो गई है और वो यूज के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए नेक्स्ट वीक तक चालू जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कर दिखाया। ये जो लंपी वायरस था आया है राजस्थान और गुजरात से, बहुत सारे बॉर्डर से, तो ये उसके अगेंस्ट है। सो इससे हमारे जो एनिमल्स है, हमारे गोधन है, वो इससे सुरक्षित रह पाएगा। तो अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी इसका बढ़ाया जाए, हमारी गायों को, हमारे जो गौधन है उसको बचाया जाए। बिल्कुल। और इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि वापस गौधन को गौधन बनाने में भी आपका इम्पोर्टेंट रोल होगा। बिकॉज लोग जिनके पास गाय हैं वो ऐसी सड़क पर जो छोड़ देते हैं, ये भी उन्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये सब बंद करना पड़ेगा। सो दंगल में गोल्डन हैट्रिक, बजरंग पूनिया
दीपक और साक्षी मलिक ने जीता सोना। वाह बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो प्रकाश ने कल ये शायद मैच देखा है, प्रकाश इसके बारे में बताओ जो तुम बता रहे थे मुझे। तो ये जो साक्षी मलिक जो का मैच जो मैच था वो साक्षी मलिक 4-0 से हार रही थी, बट सडनली इनके अंदर एक पता नहीं कहाँ से एक वो आया जोश आया और इन्होंने जो पिन डाउन किया है अपने ओपोनेंट को, दैट वाज फिनोमिनल। और मैं सभी को बोलूंगा कि प्लीज जाके वो यूट्यूब में वीडियो देखिए, मतलब एक ऐसी पटकनी दी है जिसको कहते हैं, पटकनी दी है, और दैट वाज अ हिस्टोरिक मूवमेंट। वाह दंगल से याद आया, आमिर खान वापस सब जगह लगे हुए हैं इस समय, अपने दंगल फिल्म की तरह ही प्रमोट कर रहे हैं। और एक आदमी ये भी कहा है कि ये इनकी एक स्ट्रेटजी होती है, अपनी हर मूवी के पहले ऐसा कुछ ये बोलते हैं ताकि इनसे उनकी मूवी हिट हो जाए, लोग ज्यादा देखने जाएं। बट इस बार शायद जनता बायकॉट लाल सिंह चड्ढा को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, सीरियस है। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, बिकॉज आप हर बार एक ही स्ट्रेटेजी से काम नहीं कर सकते, लोगों को भी ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, मेरिटियस स्टूडेंट हैं उनको जो फ्री जो फीस दे रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, पहले क्या होता था कि अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से ऊपर है फैमिली इनकम, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फिर आपको फंड देना बंद कर देती थी फीस के लिए। अब यहाँ पे शायद तक चेंज होने वाला है, और 10 लाख से ऊपर ही अगर आपकी फैमिली इनकम है तो वहाँ पे गवर्नमेंट फी देना बंद नहीं करेगी। मेरे हिसाब से ये कहीं सही भी है और कहीं कहीं गलत भी है, बिकॉज अगर आपकी फैमिली इनकम ज़्यादा है देन यू कैन पे द फी, और इससे जो वो जो पैसा है वो कहीं और भी यूज हो सकता है, जो वही जो फ्री बीस की बात हो रही थी। भाई ये रेवड़ी कल्चर मध्य प्रदेश में पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रहा है। तो भाई अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल आप फीस दीजिए, और अगर सक्षम नहीं है तो फिर सरकार आपके साथ। राइट, आप कमेंट करके बताइए हमारे व्यूअर्स आपको कैसा लगा हमारा ये पॉइंट, प्लीज थैंक यू। तो कल जाएगा सबसे छोटा रॉकेट SLV, इसे 75 स्कूल के 750 लड़कियों ने तैयार किया है। राइट, सो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार न्यूज है ये। स्कूल की बच्चियों को लगभग 750 स्कूल बच्चियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इनका रॉकेट कल उड़ेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, पृथ्वी की मैपिंग करेगा और वहां तिरंगा लहराएगा। और ये अवसर 15 अगस्त के आसपास हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। वी विश देम ऑल द बेस्ट, वी विश देयर रॉकेट ऑल द बेस्ट, ये सफल हो और एक मिसाल बने कि हमारे स्कूल के बच्चे, हर लड़का फर्जी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ बच्चे सीरियसली प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो कल जो मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू होती है हर 2 महीने में RBI एक कमेटी बैठाती है, उस पर रिव्यू होता है। तो महंगाई को देखते हुए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, कांग्रेस भी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, महंगाई को देखते हुए जो RBI गवर्नर है उन्होंने बोला है कि जो वित्तीय जो दर है 0.50% बढ़ा रहे हैं, जिससे और लोन्स महंगे होंगे, उसे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप खरीदारी कम करेंगे, और जब खरीदारी होगी तो डिमांड कम होगी, और फिर जो प्राइस है वो कम आएंगे, और उससे इन्फ्लेशन कम करने में इनको हेल्प मिलेगी। लॉन्ग प्रोसेस है बट एफर्ट चालू है गवर्नमेंट के, और बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियोस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो चाइना ताइवान वाला सुनने में आ रहा है, अगर कहीं ये होने पाए तब तो हालात और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। राइट, इसलिए कहते हैं ना कि शांति बनी रहेगी, अमन बना रहेगा, सब जगह तरक्की होगी, हर देश आगे बढ़ेगा। और अगर कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी लड़ाई होगी, उसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर में हम लोग भी भुगत रहे हैं और पूरी दुनिया भुगत रही है। तो दोस्तों हमें इन सब चीजों से बच के रहना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की न्यूज पसंद आई होगी। ये हमारा प्रयास है आप लोग को अपने अपने लहजे में सिंपल भाषा में न्यूज पहुंचाने का, इन मच मोर फनी एंड लाइट वे। अगर आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी पता चले कि भैया रोज न्यूज आ रही है इन सिंपलर लाइटर नोट्स 10 बजे एवरीडे। राइट, उसी के साथ मुलाकात होगी कल। बहुत ही शानदार दिन रहे आपका, शानदार वीकेंड रहे, और साक्षी मलिक की तरह आप भी पटकनी दीजिए अपने जीवन में और एक गोल्ड मेडल ले आइए। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते।